नमस्कार, यूट्यूब चैनल ऑफ अकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जिन्होंने B.Ed एंट्रेंस निकाला था और कैसे उनकी स्ट्रेटजी रही, ब्लेंड अकेडमी ऑफ लर्निंग से कितना हेल्प मिला, वो सारे कुछ इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा वीक पॉइंट था, किस सब्जेक्ट पे कैसे फोकस किया इन्होंने, तो वो सारी डिटेल इन्हीं से सुनेंगे। और ब्लेंड अकेडमी ऑफ लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है। आप इसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग इससे फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं हम लोग कि जो B.Ed ओवरऑल इन्होंने B.Ed एंट्रेंस की तैयारी की थी और B.Ed में ये पास किए, तो कैसे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बच्चे कैसे पास करेंगे, तो वो सारी हम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से ही सुनेंगे। शुरू करते हैं। प्रणीत, बहुत बहुत बधाई आपको, B.Ed निकाला आपने जो सबसे अच्छा है, टॉप मोस्ट इंडस्ट्री एंड कॉलेज में B.Ed आता है उसका एंट्रेंस आप निकाले, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो बताइए फिर कैसे किया था, कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन किया आपने, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया था, आपका कौन सा वीक था, सेक्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग था और कैसे आपने प्रिपरेशन की, ब्रिलियंट से क्या हेल्प किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि टीचिंग का जो जॉब है ये मैंने पहले से ही एम बनाया था कि मुझे अगर अपना करियर बनाना है तो वो टीचिंग के फील्ड में ही बनाना है। और फिर उसके बाद एक मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि मेरे पेरेंट्स यहाँ दिल्ली में ही रहते थे तो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेके B.Ed का कोर्स करवाती है, तो कहीं ना कहीं एक ये मेरे मन में था कि अगर एंट्रेंस एग्जाम होके हो रहा है तो अच्छा ही करवाएंगे वो लोग। और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने एयरफोर्स टेक नॉन टेक पास करके भी छोड़ दिया था, yes, कि नहीं जाना उधर, हमें टीचर ही बनना है। जी बिल्कुल। ओके। और वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ B.Ed प्रोग्राम, तो उसके एंट्रेंस के लिए मैंने फॉर्म भरा था और मैंने, इसमें तो सीट्स भी बहुत कम होता है ना, B.Ed में बहुत सीट कम होता है, कितने सीट होते हैं? अराउंड 500 चार कॉलेज हैं। अच्छा, 4 कॉलेजेस हैं D.U. के अंदर। जी, कौन कौन सा कॉलेजेस है D.U. का? जो तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जो कैंपस में ही है, D.U. कैंपस में ही है जी, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE के नाम से, CIE बोलते हैं उसको जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ओके। और दूसरा कॉलेज है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो D.U. से एफिलिएटेड है ना, और ये गीता कॉलोनी में है, तो ये जो दोनों कॉलेजेस हैं ये को एजुकेशन है जी। इसके अलावा जो बाकी दो कॉलेजेस हैं लेडी इरविन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, वो ओनली गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, वहाँ ओनली गर्ल्स का ही होता है जी। ओके ओके। तो सिर्फ दो कॉलेजेस हैं जहाँ बॉयज के लिए B.Ed का अपॉर्चुनिटी, कैंपस कॉलेज और एक महर्षि वाल्मीकि वाला जो गीता कॉलेज है, और लेडी इरविन और जो एक और है उसमें गर्ल्स के लिए ये भी है। अच्छा, 500 सीट होता है ना D.U. में। ओके, तो कैसे आपने इसका प्रिपरेशन किया, सिलेबस क्या होता है इसका? पहले तो जो इसका सिलेबस है वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो चार पार्ट्स में आता है। पहला होता है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें क्वेश्चन होते हैं वो GK और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं सारे। जो दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन होता है, तो GK का प्रिपरेशन B.Ed निकालने के लिए कोई कैसे करे बताएं। GK का प्रिपरेशन हमें पता ही है कि जो सबसे अच्छी किताबें हैं उसके लिए वो NCERT की किताबें हैं सोशल साइंस की, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मुझे जो इंस्टीट्यूट से ब्रिलियंट अकेडमी ऑफ लर्निंग से जो स्टडी मटेरियल्स मिले थे उनसे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जामिनेशन फोकस्ड है सारे स्टडी मटेरियल्स, तो उससे मुझे, उसके अलावा अगर हम मंथली कोई मैगजीन ले और रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जी। तो ये GK के लिए पोर्शन हो गया। ओके, और सेकंड सेक्शन, दूसरा क्या था? दूसरा सेक्शन जो था वो फंडामेंटल्स थे, उसमें अप टू क्लास 10th लेवल के साइंस के और साइंस मैथ्स और SST के क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए वही है NCERT की टेक्स्ट बुक्स स्टैंडर्ड्स जी,
अब तो क्लास टेंथ के साइंस के बेसिक क्वेश्चंस, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ह्यूमन आई, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे. और मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स में ये पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है कि एडवांस मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस होता है. अच्छा. ना कि सिर्फ एडवांस से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया या ज्योमेट्री हो गया, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन. यानी मैथमेटिक्स में पूरी प्रोफिशिएंट होना चाहिए. डीयू बीएड के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में पूरी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस. ओके. और तीसरा जो सेक्शन था वो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन थे कि कैसे हम उसको, मतलब वो एक हमारा माइंड सेट चेक करने की कोशिश होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस, कि हाउ टू टैकल चिल्ड्रन और लाइक दैट. और फोर्थ सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होते हैं. तो उसमें जो हिंदी एंड इंग्लिश में जो क्वेश्चन थे वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थे, और वो क्वेश्चन काफी, मतलब हाई लेवल के थे इंग्लिश में और हिंदी में. और टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का होगा, है ना? टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो हिंदी है, ट्वेल्थ भी नहीं मैं बोलूंगा, टेंथ स्टैंडर्ड, क्योंकि पैसेजेस के थ्रू आता है. तो इस तरह से आपने बनाई. ब्रिलियंट एकेडमी से में पढ़ के आपको क्या हेल्प हुआ? ब्रिलियंट एकेडमी में मुझे जैसे जब मैं यहाँ पे क्लासेस करता था और यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता था, तो क्लास में तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है. पर एग्जाम से पहले जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तब शुरू में एक दो पेपर में मुझे लगा कि मार्क्स मेरे बहुत ज्यादा कट रहे हैं. तो फिर मैंने यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको बताया, फिर उन्होंने पेपर देखा और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी. अच्छा, अच्छा. फिर उन्होंने मुझे उस हिसाब से गाइडेंस दी और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं. और लगभग 5-6 मॉक टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरा जो कॉन्फिडेंस आया, यस, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली. अच्छा, अच्छा. तो कितना रैंक था आपका पहले यूनिवर्सिटी में? मेरा ऑल ओवर 48 रैंक था. 48 रैंक था. अच्छा, अच्छा. विद इन 50 थे आप, है ना? Yes. तो आपको ये महर्षि वाल्मीकि कॉलेज मिला था, है ना? Yes. Okay. तो ये प्रणीत रंजन से हमने अभी बात की कि बीएड एंट्रेंस जो दीयू का है, जो इन्होंने निकाला था, पर्सुइंग बीएड है अभी ये, और सीटेट जो पास किया अभी करेंटली इन्होंने. तो इन्हीं के जुबानी हमने बीएड एंट्रेंस के बारे में डीयू बीएड का सारा सुना. और आप सभी को, लिसनर्स को, थैंक्स.